आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर आधारित एक उदाहरण देखा। इस वीडियो में आज हम सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। शांतनु अपने मित्र के लिए एक चतुर्भुजाकार बर्थडे कार्ड बनाना चाहता है, जिसके माप कुछ इस प्रकार हो। यदि AD BD पर समकोण बनाता है तो क्या आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यदि हम चित्र पर ध्यान दें तो पाएंगे कि हमें चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात नहीं है। क्या आप चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर उत्तर का मिलान करें। प्रश्न में यह सूचना दी गई है कि भुजा AD विकर्ण BD पर समकोण बनाती है, अतः त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है। AB तथा AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर प्रतिस्थापित कर हल करने में हमें भुजा BD का मान 35 सेंटीमीटर मिलता है, जो कि चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। आइए अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त करें। अब हम जानते हैं कि BD चतुर्भुज का विकर्ण तथा AD व CM विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से लंब हैं, जिनकी मदद से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आज हमने चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक और उदाहरण देखा। उम्मीद है कि अब आपको इसकी अच्छी समझ हो गई होगी।